देखिए क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर टू ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है, x³ - 3x² और यहाँ से हो गया -9x - 9x - 5। अब देखिए फाइव किस किस टेबल में आता है, माइनस प्लस माइनस वन के टेबल में आता है और प्लस माइनस फाइव के टेबल में आता है, इसी दो टेबल में आता है। अब आपको देखना पड़ेगा कि प्लस वन माइनस वन, एक बार प्लस वन रख के देखिए, एक्स प्लस वन रख के देखिए, यानी कि यहाँ पे आ गया ज़ीरो, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन, ठीक है, एक्स की वैल्यू माइनस आ गई। अब देखिए यहाँ पे आइए, माइनस वन का क्यूब करिए, फिर थ्री माइनस वन का स्क्वायर करिए, माइनस नाइन माइनस वन माइनस फाइव, बहुत सारे माइनस है भैया इसमें, तो माइनस वन का क्यूब करेंगे तो माइनस वन बच जाएगा हमारा, और माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो माइनस थ्री बन जाएगा हमारे इधर, और ये रहा माइनस, तो नाइन हो गया माइनस फाइव हो गया। तो देखिए तीन एक चार माइनस चार हो गया, और ये माइनस चार और प्लस वाली पार्टी एक तरफ कर देते हैं, माइनस वन माइनस थ्री माइनस फाइव, ठीक है, प्लस वाली पार्टी हमने एक तरफ कर दिया, प्लस प्लस वाली पार्टी एक तरफ, माइनस वाली पार्टी एक तरफ। देखिए पाँच चार नौ, माइनस नौ प्लस नौ कट गया, ठीक है, ज़ीरो बच गया। तो हमारा एक ये भी फैक्टर हो गया, एक्स प्लस वन भी हमारा एक फैक्टर हो गया। अब फैक्टर हो गया तो आप या तो डिवीज़न करके उसको निकाल लीजिए या तो आप कॉमन करके उसको निकाल लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं किस मेथड से कॉमन करते हैं इसको। तो एक्स प्लस वन हमको मालूम चलेगा कि भैया ये कॉमन है, एक्स प्लस वन कॉमन निकल गया, हम एक्स प्लस वन कॉमन निकाला है हमको, ठीक है। तो एक्स प्लस वन कॉमन निकालना है ना, तो एक्स प्लस वन कॉमन निकालना है, तो देखिए एक्स प्लस वन कॉमन निकालना है तो आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर आपका एक्स क्यूब आ गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए तो आपका थ्री एक्स स्क्वायर आ गया, नहीं आपको चाहिए एक्स स्क्वायर, यानी कि आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यानी कि आपको यहाँ लिखना पड़ेगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर की जगह आपको बनाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर आप इस तरह बनाएंगे कि यहाँ पे फोर लिख दीजिए, प्लस का लिख दीजिए आप यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का एक्स स्क्वायर लिखते ही आपका आ जाएगा एक्स प्लस वन, ठीक है। आप देखिए एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर तो आपने लिख लिया, एक्स स्क्वायर आपने लिख लिया है, एक्स स्क्वायर लिखने के बाद आप करिए कि माइनस थ्री आ जाए, यानी कि माइनस थ्री, यानी कि आपका आएगा माइनस का आप माइनस लिख दीजिए, तो चलिए आपको उसको अगर आप इसमें अगर दिक्कत हो तो चलिए डिवीज़न से कर लेते हैं, डिवीज़न से आपका आसान पड़ जाएगा। तो एक्स प्लस वन का डिवीज़न कर लेते हैं आपका, इसमें क्या है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव, ठीक है, इसमें हमको डिवीज़न करना है। तो एक्स प्लस वन को मल्टीप्लाई हम एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब बन गया हमारा एक्स क्यूब, और प्लस एक्स क्यूब बन गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ बना एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस साइन कट गया, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि माइनस का फोर एक्स हो गया, ठीक है, माइनस का फोर एक्स हो गया। अब देखिए माइनस का फोर एक्स इधर से उतार दीजिए, फोर एक्स माइनस फाइव, ठीक है, फोर एक्स माइनस फाइव। अब देखिए माइनस का फोर एक्स स्क्वायर है ये, ठीक है, तो माइनस का फोर एक्स कैसे आएगा, एक्स प्लस वन अगर हम
इधर करेंगे तो माइनस का 4x कैसा आएगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई हम 4 से करना पड़ेगा, माइनस 4x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस का 4x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है, 4x आ जाएगा, तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, ठीक है। अब इसको आपने प्लस कर दिया, ये 9x है कि 4x है, एक बार देख लेते हैं, 9x है, ये हमारा 9x है, सॉरी, ठीक है, 9x है, तो ये हमारा कट गया, ये तो कट गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस का 5x माइनस 5 बच गया, ठीक है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, माइनस का 5x यहाँ पे लिखा है, मैंने 5x लिखा हुआ है, आपने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है आपको, एक बार मैं बोलते चल रहा हूँ आपको, वैसे इंक खत्म हो गया, मैं आपको इंक भर के भी ला रहा हूँ, तो माइनस का यहाँ पे माइनस वन, सॉरी यहाँ पे माइनस का 4x से हमने डिवाइड कर दिया, उसके बाद हमने एक्स प्लस वन को हमने माइनस 5 से डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5 हमारा आ गया, यानी कि हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर, रुक जाइए अभी पढ़ के लाता हूँ। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं रिफिल भर के इसमें, तो चलिए देखते हैं, ये हमको मिल गया यहाँ पे एक्स माइनस 4x माइनस 5, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स प्लस 1 को कॉमन निकाल के लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, तो इसको इरेज करते ही हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर 4x प्लस 5, ठीक है, तो 4 1, तो देखिए इसको भैया इसको कर देंगे तुम अलग रहो, और इसको एक्स स्क्वायर को हम स्प्लिट कर देंगे स्प्लिटिंग मेथड से, तो 4 + 1 कर देंगे, 4 + 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, देखो यहाँ 5 नहीं है, तो देखिए यहाँ पे हम कर देंगे 5 - 1 कर देंगे, 5 - 1 करते ही हमारा आ जाएगा 4, और 5 1 = 5 आ जाएगा, ठीक है। ये वाली पहली कंडीशन भी सेटिस्फाइड, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है हमारी। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस x हो गया, माइनस 5 इधर उधर जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या कॉमन लेंगे, इसमें हम कॉमन लेंगे x को कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 5 बचेगा हमारा, बच जाएगा, और इधर हमारा 1 कॉमन लेते ही x माइनस 5 हमारा आ गया इधर। अब देखिए x माइनस 5 एक ब्रैकेट में रख देंगे, और x प्लस 1 एक ब्रैकेट में रख देंगे, ठीक है, x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में। अब देखिए हमारे इसके पास 3 फैक्टर हो गए, x प्लस 1 का एक फैक्टर, x माइनस 5 का एक फैक्टर, और x प्लस 1 का भी एक फैक्टर हो गया हमारे पास। ऐसे करते ही 3 फैक्टर आ गए, 3 फैक्टर आते ही हम यहाँ पे आप हमारे ऊपर है, या तो हम 0 के इक्वल रख देंगे, या तो 0 के इक्वल नहीं रखेंगे, ठीक है। इसमें हम 0 के इक्वल रख दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। ये सब हमारे आ गए, ये हमारा इसका थॉट, आई होप सेकंड का ये क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड का ये, हाँ सेकंड का है। तो थर्ड और फोर्थ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, इसलिए हम थर्ड और फोर्थ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपने अगर ये चैनल, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ।